ये कहावत सच है कि मेहनत, लगन और नेक नीयत से इंसान काम करे तो कोई भी सफलता उससे दूर नहीं रह सकती। आजकल दिल्ली का चर्चित नाम संजय मित्तल इन्हीं लाइनों को सार्थक करता है। दैनिक भास्कर ये बात की दिल्ली चांदी वर्क एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय मित्तल से बातचीत में क्या कुछ कहा, पेश है दिल्ली से खास रिपोर्ट। नमस्कार, स्वागत है आपका दैनिक भास्कर डिजिटल में और मैं जितेंद्र शर्मा। दोस्तों, मेरे साथ मौजूद है आज संजय मित्तल जी, जाना पहचाना नाम है, दिल्ली चांदी वर्क एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, चेयरमैन हैं, राजनीतिक चेहरा भी हैं और बहुत सारे ऐसे शोज होते हैं जहां सेलिब्रिटी के रूप में संजय जी को आज बुलाया जाता है। तो मेरे सामने मौजूद हैं संजय मित्तल जी। संजय जी, कैसे हैं आप? बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी, आपसे काफी दिनों बाद मुलाकात हो रही है और बहुत अच्छा लग रहा है। सर, बड़े बड़े सेलिब्रिटियों को ऐसे ही कैच करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो आज आप मेरे समक्ष प्रस्तुत हो ही गए हैं। संजय जी, देखा जा रहा है जैसे कि 2024 के चुनाव आ रहे हैं, तो आपकी भी एक्टिविटी कहीं ना कहीं राजनीति की तरफ ज्यादा मूवमेंट देखी जा रही है, क्या कहेंगे इसके ऊपर? नहीं, डेफिनेटली, मतलब हम खाली अपने परिवार के लिए काम करते हैं, समाज के लिए करते हैं, तो हमारा राष्ट्र के प्रति भी कुछ जिम्मेवारी होती है। और देश जिस हिसाब से लगातार आगे बढ़ रहा है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के सानिध्य में, वो अमेजिंग है। मतलब कहते हैं ना कि इतना सारा काम मैंने कभी नहीं देखा, इतना हीरोइक पर्सनैलिटी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, सैल्यूट करने का मन करता है। संजय जी, बहुत जगह मैंने देखा बड़े बड़े शोज में सेलिब्रिटी गेस्ट के रूप में लोग आपको बुलाते हैं, तो क्या करना चाहते हैं, कहीं टिकट की लालसा तो नहीं आने वाले टाइम में? नहीं नहीं, लोगों का प्यार आप देखते हैं कि लगातार रहता है। और एज ए मैं जैसे फैशन में भी हूँ, एंटरप्रेन्योर भी हूँ, स्पिरिचुअली भी काफ़ी एनहेंस हूँ, तो काफ़ी लोगों का काफ़ी जगह प्यार मिलता है मुझे। संजय जी, नेक्स्ट कदम क्या रहने वाला है 2024 की राजनीति को और आपको ले जा रहा हूँ? नहीं नहीं जितेंद्र जी, आप लगता है मुझे टिकट दिलवा कर मार। देखिए, हमारा काम है एक अच्छे राजनेता को देश के अंदर लाना, समाज के अंदर लाना, यही मीडिया का काम है। इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अभी जो राजनीति चल रही है जैसे देश के अंदर, और मैं आपको देखता रहता हूँ बड़े बड़े प्रोग्राम के अंदर और बड़े बड़े फैशन शोज के अंदर। मैं बेसिकली एक जनसेवक हूँ और जनसेवक की तरह पूरी जनता की सेवा करना चाहता हूँ। और मैं एक ह्यूमैनिटी में बहुत बिलीव करता हूँ, जो हमारी इंडिया में अब धीरे धीरे मिस होती जा रही है, जिसे हम अटैचमेंट कहते हैं या एक लगाव कहते हैं। तो मुझे अपनी मातृभूमि से बहुत प्यार है और मैं देश हित के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो कहीं ना कहीं हेल्पफुल भी हैं और लोगों को आकर्षित करने के अंदर इनका बहुत बड़ा योगदान भी रहता है। संजय जी, मैं देखता हूँ जैसे बहुत सारे फैशन शोज होते हैं, उनके अंदर आपकी क्या भूमिका रहती है? बेसिकली मेरा मेन काम वर्क का है, सोने चांदी के वर्क का। हम वर्ल्ड में सबसे बड़ा काम करते हैं जी, बिल्कुल, कौन नहीं जानता। ग्रेस, हनुमान जी की कृपा है ये कि हम सबसे ज्यादा वर्क बेचते हैं। और उसमें ज्वेलरी की तरह डिपिक्ट करना फैशन में मॉडल्स के ऊपर, क्योंकि आपने देखा है कि एथनिक वियर्स पहनती हैं मॉडल और वो ज्वेलरी पहनती हैं, कोई गोल्ड की पहनती हैं, सिल्वर की पहनती हैं, तो हमने वर्क के थ्रू उनको ज्वेलरी पहनाई और वो आई थिंक पूरे वर्ल्ड में बहुत बड़ी बात हुई है। ये एक नई चीज़ है, एक नया कॉन्सेप्ट है कि ज्वेलरी की जगह आपने वर्क का इस्तेमाल किया। नहीं नहीं, बिल्कुल, और वर्ल्ड में अभी तक किसी ने नहीं किया था और ये मैंने किया और इसका बहुत बड़ा अप्रिसिएशन मुझे वर्ल्ड वाइड मिल रहा है। तो जो मोदी जी का नारा है वोकल फॉर लोकल, मैं उसको भी अप्रिशिएट कर रहा हूँ और पूरी दुनिया में गूंज है मेरे फैशन शोज की। मैं यहाँ के दिल्ली के, बॉम्बे के सब बड़े शोज कर चुका हूँ, अब मेरा नेक्स्ट टारगेट है इंटरनेशनल। संजय जी, चलते चलते बात करते हैं, बहुत सारे सवालात मन में रहते हैं, तो क्या इंटरनेशनल में लाने वाले हैं, क्या? मैं ये बताऊंगा कि जैसे अभी हमने अभी यहाँ दिल्ली में बहुत बड़े फैशन शो में शुभ आगमन बाय संजय मित्तल पेश किया था, जिसमें प्रभु राम और सीता को हमने फैशन शो में दर्शाया था और पूरे फैशन शो में जितने ऑडियंस थे जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। तो आई थिंक जितेंद्र जी, आपने कोई ऐसा फैशन शो नहीं देखा होगा अभी तक जहाँ पे जय श्री राम के नारे गूंज रहे हो। वो मैंने प्रयास किया था और उसमें मैं बहुत सफल रहा था। तो नेक्स्ट मेरा टारगेट है बनारस के 80 घाट पर कुछ जो स्पिरिचुअल परिधान होते हैं हमारे, उसके फैशन शो करने का, जिसे मेरे को लोक पहल की बड़ी टीम है, उन्होंने भी अप्रूव कर दिया इस चीज़ को। तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको बहुत ही सरप्राइजिंग मिलेंगी। संजय जी, एक सवाल फिर मन में आता है, ये संजय मित्तल आखिर इस स्टेज तक कैसे पहुंचे? आपको जितेंद्र जी बहुत बड़ी हैरानी होगी कि मेरे फादर की बहुत अर्ली एज में डेथ हो गई थी और कभी मैं 100 रुपये रोज कमाता था, 100 रुपये कॉस्ट से रोज से, और आज ये जर्नी प्रभु राम और हनुमान जी की कृपा है। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा कि ये बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है कि एक 100 रुपये कमाने वाला बंदा
आज फैशन आइकॉन है, मेन एंटरप्रेन्योर है, तो और क्या चाहिए। बड़ा स्ट्रगल और मेहनत लगी होगी यहाँ तक आने के लिए। पता नहीं लगा, लेकिन प्रभु राम और हनुमान जी की जो कृपा रही मेरे ऊपर, तो जर्नी तो डेफिनेटली चैलेंजेस वाली होती ही है, इतना आसान नहीं होता आप, लेकिन पता नहीं वो कैसे अपने आप ही दूर होती चली गई सारी मुश्किल। क्योंकि मेहंदीपुर बालाजी के अंदर बाबा के ऊपर जो चोला चढ़ाया जाता है, वहाँ वर्क का चोला चढ़ाया जाता है, तो वहाँ सुनने में आया कैलाश चंद वर्क वाले, तो मैंने एकदम आपका मुझे ध्यान आया, तो वो सब क्या चीज़ है, थोड़ा प्रकाश डालिए उस चीज़। वही कहूँगा, फिर दोबारा कहना चाहूँगा कि हनुमान जी की असीम कृपा है मुझको गोदी में बिठा रखा है। आप किसी भी बड़े मंदिर में जाएंगे, वहाँ पर जो भी रिचुअल्स होते हैं, जैसे चोला चढ़ाना होता है, जहाँ भी वर्क चढ़ता है, तो पता नहीं क्या बात है, बाबा की कृपा है। वो पुजारी जी कहते हैं नहीं, हमें सिर्फ कैलाश का वर्क चाहिए, वो हमारी क्वालिटी के गार, क्योंकि हम एक जैसा साइज रखते हैं, प्योरिटी की हमारी गारंटी होती है, सोना और चांदी हमारा 100% प्योर होता है, तो लोग बहुत दूर दूर से लेने आते हैं, तो बाबा की बहुत कृपा है। ऐसा क्यों देखा जाता है कि संजय मित्तल जी राजनीति में भी अग्रसर हैं, फैशन शोज होते हैं उनमें भी अग्रसर हैं, कहीं स्कूल के प्रोग्राम हों वहाँ भी संजय मित्तल जी सबसे आगे रहते हैं, और अब धार्मिक बात करूं तो जहां भी खाटू श्याम जी के प्रोग्राम होते हैं, मेहंदीपुर बालाजी के प्रोग्राम होते हैं, वहां संजय मित्तल जी का नाम सबसे ऊपर लिया जाता है, ऐसा क्यों? ये आप सब लोगों का प्यार है, पूरी जनता का प्यार है, और लोगों ने बहुत प्यार दिया है मुझे, तो मैं बहुत तहे दिल से सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो इतना प्यार देते हैं, हर जगह प्यार से बुलाते हैं, और मैं पूरा प्रयास करता हूँ आ जाने। आने वाले जो युवा हैं, जो अपना काम करने के लिए अग्रसर रहते हैं, नया स्टार्टअप करते हैं, उनके लिए कोई दो शब्द है आपके पास? नहीं, डेफिनेटली मैं बहुत बड़ी इंस्पिरेशन कहूँगा खुद ही, जो 100 रुपये रोज कमाने वाला बंदा आज अगर इस मुकाम तक पहुँच सकता है, तो हमारी युवा शक्ति, मतलब ऑलमोस्ट 65% है हमारी जो पॉपुलेशन, वो क्यों नहीं पहुँच सकते? क्या करने की आवश्यकता है? नहीं, जैसे अभी हम यहाँ पर भी इस इवेंट में आए हैं, जिसकी थीम भी विकसित भारत 2047 है, तो जब आज़ादी के हमारे 100 वर्ष होंगे, तो हम विकासशील से विकसित हो जाएंगे, और ऐसी पूरी कोशिश है हमारी, और मोदी जी के सानिध्य में डेफिनेटली हम होंगे, तो मतलब युवा शक्ति का तो बहुत बड़ा रोल रहेगा। तो युवा शक्ति को मैं ये कहना चाहूँगा कि वो नशे वगैरह की तरफ आकर्षित ना हो, ना यूरोप का जो कल्चर है उसको अडॉप्ट करें, कि यूरोप में अब वो लोग हमारा कल्चर अडॉप्ट कर रहे हैं, हमारे ट्रेडिशंस को अपना रहे हैं, हिंदुस्तानी ट्रेडिशंस को अपना रहे हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे युवा, हमारी जो सांस्कृतिक जड़ें हैं, उनसे जुड़े। सर बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं आपके लिए कि आप ऐसे ही समाज हित में काम करते रहिए। ये मेरे साथ बने हुए थे संजय मित्तल जी, जो कि दैनिक भास्कर और जितेंद्र जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जिन्होंने मुझे कुछ कहने का मौका दिया। सर देखिए, मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ आपका इस चीज़। धन्यवाद सर। देखिए, दैनिक भास्कर और मीडिया का सबसे बड़ा काम यही बन जाता है कि समाज के अंदर जो अग्रसर भाव से काम कर रहे हैं, निस्वार्थ भाव से काम कर रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं जनता के पटल पर लाना, उनको दिखाना समाज में, उन लोगों के लिए एक स्टेज देना, वो हमारा काम बन जाता है। दोस्तों, ये मेरे साथ बने हुए थे संजय मित्तल जी, जो दिल्ली चांदी वर्क एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे हैं। दोस्तों, मेरे साथ बने रहिएगा, ऐसे ही फिर किसी एक प्रतिभा के साथ आपको मिलवाता रहूंगा। मैं जितेंद्र शर्मा, दैनिक भास्कर के लिए।